नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त पूर्णिया जिला में हैं, रंगभूमि मैदान पर, जहां प्रणाम पूर्णिया महारैली का आयोजन किया गया है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए रंगभूमि मैदान में, और देख सकते हैं किस तरह से जो इस कड़कड़ाती धूप में भी जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हुई है। और जिस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम जो पूर्णिया की जनता है वो रंगभूमि मैदान में पहुंचे हुए हैं, और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मंच पर हैं। और देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं जो उनको सुनने के लिए खड़ा होकर और इस कड़कड़ाती धूप में बैठे हुए हैं। जिस तरह से कहा जाए कि जिस 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम जो नेता हैं अपनी जो ताकत है वो दिखा रहे हैं। वही बात करें तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जो कहा जाए कि महाजुतान का किए हुए हैं और शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हुई है। एक तरफ महिलाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुष है। जिस तरह से कहा जाए कि ये जो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान है वहां पर ये आयोजन किया गया है, और प्रणाम पूर्णिया महारैली का आयोजन किया गया है। इससे पहले जो पप्पू यादव है पूरा पूर्णिया लोकसभा में वो घर घर जाकर प्रणाम पूर्णिया यात्रा भी किए थे, और अब प्रणाम पूर्णिया महारैली कर रहे हैं जो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में, और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो खड़े होकर पप्पू यादव को सुन रहे हैं, और जिस तरह से कहा जाए कि पप्पू यादव मंच पर लोगों को बीच दहाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पूर्णिया के लोग हैं वो पूरे उम्मीद लगाए हुए हैं पप्पू यादव से, और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से पप्पू यादव के सुनने के जो लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो रंगभूमि मैदान में जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो नौजवान हो या महिलाएं हो या बूढ़े हो या बच्चे हो, तमाम जो लोग हैं वो रंगभूमि मैदान में पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं किस तरह से जो सुरक्षा है वो भी पुख्ता इंतजाम किया गया है, और पप्पू यादव यानी पप्पू मैं जो रंगभूमि मैदान है वो किया हुआ है। और जिस तरह से कहा जाए कि जो 24 का चुनाव है उस बीच पप्पू यादव कहीं ना कहीं शक्ति अपना दिखा रहे हैं रंगभूमि मैदान में पूर्णिया में। और जिस तरह से कहा जाए कि अभी तक वो किसी अलायंस के साथ नहीं है और अकेले चल राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का जो ये जन आशीर्वाद है वो पूर्णिया में मिल रहा है। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में कहीं ना कहीं दिख रहा है। बूढ़े हो, बच्चे हो या महिला हो, तमाम जो लोग हैं वो रंगभूमि मैदान में पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि पप्पू यादव को सुनने के लिए जो रंगभूमि मैदान है वो लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, और जिस तरह से कहा जाए कि जो पूर्णिया के जो रंगभूमि मैदान है वो पप्पू मय हो गया है, और जिस तरह से कहा जाए कि यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार की सांसद है जो पूर्णिया से पप्पू यादव ही होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से रंगभूमि मैदान में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वो आगे क्या कुछ नतीजे 2024 के चुनाव में देते हैं, वो भी हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।